प्रॉब्लम हो गया था, बट आई एम बैक एंड यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस एंड टॉक टू मी. पता नहीं कौन बोल रहा है ये. शेख एंड ऐश्वर्य के बारे में पूछ रहे हैं. बहुत दुखद समाचार है. जहाँ पर रिश्ते बनाना है टूटना बहुत ही आसान समझा जाता है, वहीं पर ऐश्वर्य अभिषेक के रिश्ते की बात की जाए तो इसे देखकर ऐसा कभी नहीं लगता था कि ये रिश्ता भी कभी टूट सकता है. यही वजह है कि इनकी शादी तकरीबन 16 साल तक चलती रही. इसी खबर के साथ बहुत ही बड़ी खबर सामने आई जहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐश्वर्य राय थी सेकेंड टाइम प्रेगनेंट. जहाँ ऐश्वर्य राय की बात की जाए तो ऐश्वर्य को हमेशा किसी पार्टी या फिर अपनी बर्थडे में भी देखा गया कैजुअल ड्रेस में, जहाँ पर उन्होंने अपने दुपट्टे से अपना बेबी बम्प हाइड किया. जहाँ ऐश्वर्य राय जहाँ पर हर साल दिवाली पार्टीज में नजर आती थी अच्छा पहनते हुए, यही नहीं बल्कि ऐश्वर्या को इन दोनों देखा गया हर पार्टी एंड हर सेलिब्रेशन में दुपट्टे के साथ, ताकि वो अपना बेबी बम ज्यादा से ज्यादा हाइड कर सके. यही वजह है कि ऐश्वर्या राय को लेकर ये खबरें सामने आई कि ऐश्वर्या राय अब मीडिया के सामने आना नहीं चाहती. यही वजह है कि वो मुंबई छोड़कर अपनी बेटी अराध्या के साथ जा चुकी हैं. जी हाँ, ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की बात की जाए तो वैसे हमेशा ही हर पार्टीज में एक साथ नजर आते थे, लेकिन जब से ऐश्वर्या अभिषेक की सेपरेशन की बातें सामने आई हैं तब ऐश्वर्या अभिषेक को लेकर बहुत ही सच्चाइयां सामने आई. इसी के चलते हुए ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ऐश्वर्या राय हैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट. जी हाँ, इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा. अगली वीडियो पर रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल. अल्लाह हाफिज़.